गिनती अध्याय 23 कुलपद 30। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूं, संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में 1 बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मुआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आ इसराइल को धमकी दे, परंतु जिन्हें ईश्वर ने नहीं श्राप दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूं। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है या इसराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सभी को तो नहीं केवल बाहर वालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब वो उसको सोपीम नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होम बलि के पास यहीं खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में 1 बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इसराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता।
परंतु याकूब और इसराइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को ना खा ले और मारे हुओं का लहू को ना पी ले, तब तक ना लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो श्राप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूं, संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहां 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। गिनती अध्याय 23 कुल पद 30। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूं, संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए, और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला, और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में 1 बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वह उसके पास लौट कर आ गया और क्या देखता है?